हे दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा वाले। और इस हफ्ते की दूसरी फिल्म जो मैंने देखी वो है कागज, जो जिसमें ऑब्वियसली पंकज त्रिपाठी है। तो इसमें उत्सुकता बहुत थी ये फिल्म देखने के लिए, और मैंने जब से इस फिल्म का प्रोमो देखा था मुझे काफी कुछ महसूस हो रहा था। मतलब इस फिल्म का एक पॉलिटिकल एंगल बहुत लाजमी है कि हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे उस चीज से, जिस तरह से देश में कुछ साल से NRC ये सब लागू करने के लिए जो कागज हमारे पहचान का, सिटीजनशिप के का जो जो कागजी ज़रूरत होती है उसको लेके जिस तरह से बवाल चल रहा था, बहुत ही लाजमी बात है कि इस फिल्म को हम उससे कनेक्ट करेंगे। बहुत हद तक ये फिल्म कह सकते हैं कि स्टोरी वैसी नहीं है, बट कुछ कहने की कोशिश करती है। ये हम लोग आज रिव्यू में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली फिल्म कागज शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। अब वो उसकी पुश्तैनी ज़मीन है जो उसके चाचा और चाची के पास है, और वो उसे लेने और उसमें अपना हिस्सा मांगने के लिए उनके पास जाता है। और उसे एक झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वो सरकारी कागजों में मर चुका है। मतलब उसके जो चाचा चाची हैं उन्होंने कुछ साजिश करके जो लेखपाल होते हैं, जो मतलब रिकॉर्ड्स रखते हैं उस गवर्नमेंट ऑफिस में, उसके पास जाकर ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारे भतीजे मर चुके हैं और सारी जायदाद हमें मिलनी चाहिए, और वो जायदाद आपस के अपने बच्चों में बांट देते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, बिकॉज जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर है उनको वो ज़मीन की बहुत ज़रूरत है, और वो चाहते हैं कि उसमें उनका हिस्सा उन्हें मिले। अब उनकी जंग शुरू होती है कि अपने आप को ज़िंदा साबित करने की। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एक इंसान जो सामने अच्छा खासा ज़िंदा बैठा हुआ है, अगर वो किसी के पास जाके कहता है कि भाई मैं ज़िंदा हूँ और मुझे आप मरा हुआ कैसे डिक्लेयर कर सकते हो पेपर्स में, और उसे रिप्लाई मिलता है सामने से कि भाई ये तो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, इसे हम ऐसे ही बदल नहीं सकते। तो अभी उनकी जंग शुरू हो जाती है, वो कैसे साबित करते हैं कि वो ज़िंदा है और क्या क्या कदम उठाते हैं उसके बारे में ये फिल्म है। सो जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि पंकज त्रिपाठी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब एक शायद ये ऐसी पहली फिल्म है जिसमें पंकज त्रिपाठी इज़ द मेन कैरेक्टर, और क्योंकि जब जो भी फिल्में या वेब सीरीज उन्होंने अभी तक की है उसमें मतलब और भी कैरेक्टर्स थे, शायद उनका सेंट्रल कैरेक्टर नहीं था। एक ऐसी फिल्म है जिसमें वो अकेले हीरो हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। फिल्म में और कोई चर्चित चेहरा नहीं है इसे पंकज त्रिपाठी के अलावा। एक अमर उपाध्याय है, एक नेता का रोल उन्होंने किया है, जो कि ज़्यादा कुछ रोल उनका है नहीं। सो इट इज़ ऑल अबाउट पंकज त्रिपाठी, और जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अब कागज़ फिल्म को लेके जो कंट्रोवर्सी है, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है लेकिन जिस तरफ ये इशारा करना चाह रही है कि हमारे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो कागज़ और जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने के लिए कही गई है और प्रूव करने कहा गया है कि हम इस देश के सिटीज़न है बाय द BJP गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म लास्ट में, बिकॉज ये सलमान खान प्रोडक्शन है और डायरेक्टेड बाय सतीश कौशिक, तो लास्ट में एक कविता बताई गई है जहाँ पे सलमान खान कागज़ के इम्पोर्टेंस को, मतलब जो आज एक आज का युग है इसके अंदर कागज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर एक शायरी कही गई है कि और उसमें ऐसा कटाक्ष किया गया है कि आज इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कागज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक प्रोपागेंडिक फिल्म लगी, और कहीं ना कहीं एक प्रोपागेंडा को पुश किया जा रहा है कि कागज़ ज़रूरी नहीं है, इंसान ज़रूरी है। जी हाँ, ज़रूर इंसान बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि मॉडर्न सोसाइटी में बॉर्डर्स हैं, अलग अलग देश हैं, और अलग अलग देश के अलग अलग कानून हैं, और हमें उस देश में रहकर उन कानूनों का पालन करना है। अगर उस देश की गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। जी हाँ, हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है और जो चीज़ें गलत हो रही हैं उस पर आवाज़ भी उठाना चाहिए। लेकिन जैसे कि फिल्में बहुत बड़ा माध्यम है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमें ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए जिससे जनता इन्फ्लुएंस हो और एक गलत रास्ता पकड़ ले। अब मैं इसके बारे में और ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन प्रोड्यूसर सलमान खान और डायरेक्टर सतीश कौशिक को यही कहूँगा। सतीश कौशिक एज एन एक्टर भी इस फिल्म के अंदर है, एक वकील की भूमिका उन्होंने की है। सो उनको मैं बस यही कहूँगा कि आप फिल्में ज़रूर बनाइए, पर प्रोपागेंडिक फिल्में जो शायद हेट्रेड फैला सकती है और जो आगे जाकर प्रॉब्लम कर सकती है, ऐसी फिल्में ना बनाएं। ओवरऑल अगर मैं ये इस फिल्म का जो कनेक्शन है जो देश में चल रहा है अगर वो मैं नज़रअंदाज कर दूँ तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है और काफ़ी अच्छा बनाया है इस फिल्म को। जी हाँ, प्रोपागेंडिक अगर कुछ लोगों को शायद लगेगा कि ये प्रोपागेंडिक फिल्म नहीं है,
ठीक है, अब ये उनका उनकी राय है, लेकिन मेरे राय में ऐसी फिल्में ना बनाइए जहाँ पे जो जनता को भड़का सकती है और जो चीज़ें मतलब गलत या गड़बड़ कर सकती है। बस मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहूँगा नहीं इस मैटर को, बिकॉज़ ये अभी तक लागू हुआ नहीं है देश में और इसके बहुत सारी चीज़ें अब सामने आना बाकी है, तो मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। ओवरऑल अगर मैं एक प्योर सिनेमा के हिसाब से देखूँ तो ये फिल्म अच्छी है और इसे ज़रूर देखना चाहिए। मैं इसे भी 3.5 स्टार दूंगा और आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन जी हाँ, इससे इन्फ्लुएंस ना हुई है और जो हमारी देश और सरकार जो कहती है और जो करना चाहती है, बिकॉज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो शायद हमारे देश के नागरिकों के लिए आगे जाके बेहतर ही होने वाला है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो बॉर्डर क्रॉस करके यूँ ही आ जाते हैं इंडिया के अंदर और एक बोलते हैं धर्मशाला समझ लिया है आजकल कुछ लोगों ने। आप तो जानते होंगे कि ये सब क्या चल रहा है। सो दिस वॉज अबाउट माई रिव्यू ऑफ कागज़, एंड यू डू हैव टू वॉच दिस फिल्म। आई विल गिव इट 3.5 स्टार्स। दिस इज सैंडी सेइंग गुड बाय फ्रॉम सिनेमा वाले। ईट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड कीप वॉचिंग सिनेमा। टेक केयर, बाय बाय।